नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बैंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कटिंग कटिंग कैसे होता है। देखो ये लेयर लग चुकी है, इतनी बड़ी लेयर है, ये लेयर लग चुका है और ये देखो इसमें कितने लेयर लगे हैं। ये हमारा जो होता है कि एवरेज हिसाब से हम लेयर लगाते हैं और ये हमारा पैटर्न है। पहले हम लेयर लगाएंगे, एवरेज जितनी होगी उसके लेयर लगाने के बाद फिर इस तरफ से इसके जो पैटर्न पेपर होता है उसको बिछाएंगे, फिर इस पर ये जो हमारा पैटर्न है इस पर रख करके देखो इसमें जो मार्किंग किया हुआ है हर बॉडी का इसमें पैटर्न से उसको मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद देखो इसमें छेद भी किया गया ताकि हमारा जो फैब्रिक है कहीं आगे काटते वक्त आगे पीछे ना हो। तो आप देख सकते हैं एक ही साथ में इतने लेयर लगे हुए हैं, देख सकते कितनी सावधानी और कितनी शानदार तरीके से मास्टर जी कटिंग कर रहे हैं। ये जो आगे जो लगा हुआ है ब्लेड है, बहुत धार है, और याद रहे कि ये जो ग्लव्स हैं मेटल ग्लव्स होता है ये लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि कहीं ब्लेड से आपको कोई दुर्घटना ना हो जाए। देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग हो गई है प्रॉपर तरीके से। इसमें इतनी सारी लेयर लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मशीन है, इसका ये जो ब्लेड है जो भी चल रहा है ये ब्लेड है और ये हैंडल है, इस टाइप की मशीन है और इलेक्ट्रिक मशीन होती है ये पूरी, आप देख सकते हैं। धार भी लगती है और इस मशीन का भी खासियत है कि इसी में कुछ ब्लेड में धार लगाया जा सकता है। ये ब्लेड में धार लग रही है, आप देख सकते हैं इस टाइप की कटिंग होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।